हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। अगर आप चाहते हैं मुंबई से कोची जाना और कोची से फिर चेन्नई, तो आप किस तरह जा सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको गोंडले क्रूज के बारे में, जो कि एक काफी जगह के लिए चलता है, मुंबई टू गोवा, मुंबई टू मुंबई, जो कि आपको समुद्र में काफी दूर तक घुमा के लेके आता है। और मुंबई से कोची, चेन्नई काफी जगह आपको लेके जाता है, लक्षद्वीप भी आप इससे जा सकते हैं। तो अलग अलग डेट से जाता है, सभी कुछ आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, मुंबई से कोची और कोची से चेन्नई किस तरह जाता है, और इस सफर पे आपको इसके अंदर क्या क्या एंजॉय करने को मिलेगा, इसके बारे में भी बात करते हैं। और जो भी टिकट प्राइस है इसका आपको रूम वाइज लेना होता है। तो चलिए सभी कुछ आपको इसके बारे में बताते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, साथियों आपका स्वागत है हमारे चैनल टूर डीके राज पे। साथियों बात जो कर रहे हैं गोंडले क्रूज के बारे में, ये भारत का प्रीमियम लग्जरी क्रूज है। इस क्रूज को आप मुंबई से एक्सप्लोर कर सकते हैं और जा सकते हैं कोची और चेन्नई। इस क्रूज की टोटल बात करें तो 11 डेक इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे अपर डेक पे आपको यहाँ स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा, जो इस क्रूज की और भी सुंदरता को बढ़ा देता है। जब आप ऊपर आते हो सबसे अपर डेक पे, यहीं पे पूल पार्टी चलती है, जहाँ सभी लोग एक साथ डांस करते हैं और बहुत ही अच्छा यह माहौल बनता है। बाकी और चीजें बताने से पहले चलिए सबसे पहले बात करते हैं टिकट प्राइस की। इसका वैसे तो लेटेस्ट जो भी प्राइस चलता है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको रूम की कैटेगरी वाइज टिकट लेना होता है, जैसे कि सबसे पहले आपको इंटीरियर रूम मिलता है, उसके बाद आपको ओशन व्यू रूम, बालकनी रूम और यहाँ का सबसे शानदार स्वीट रूम आपको मिलता है। इन सभी का टिकट इनके रूम वाइज बढ़ता चला जाता है, जैसे कि आपको सामने टिकट प्राइस शो हो रहा होगा। और ये डेट वाइज चलता है, किस डेट को कहाँ जा रहा है इसकी जानकारी आप जरूर कर लीजिए। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाता है, आप चाहे तो वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। अगर आप बुक नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रैवल एजेंट द्वारा भी आप इसे बुक करवा सकते हैं, एक मैक्सिमम चार्ज लेके वो आपको बुक करा देते हैं। तो ये बुक होने के बाद आपको साथियों आना होता है मुंबई टर्मिनल पे, जो कि ग्रीन गेट से अंदर आपको आना होगा। आने के बाद आपकी चेकिंग होती है, लगेज की चेकिंग होती है, उसके बाद आपको वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाता है। जब सभी लोग आ जाते हैं, धीरे धीरे आप क्रूज पे जाना शुरू हो जाते हैं। क्रूज पे जाने के बाद आपका वेलकम होता है और रिसेप्शन पे आप अपना रूम मालूम करके जा सकते हैं। इसके अंदर आप जो आपके साथ रूम की होती है वो स्मार्ट कार्ड की तरह होती है, उसी से ही आपको कुछ भी खाना पीना या शॉपिंग करना होगा तो सब कुछ आप उस कार्ड के द्वारा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आप रुपए में पैसा खर्च नहीं करते हैं, यहाँ आपको डॉलर पे करना होगा, यानी कि अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो उसको आपको विदेशी डॉलर में पे करना होगा, इंडियन रुपए में इसके अंदर पे नहीं होता है। 3 रेस्टोरेंट की सुविधा इसके अंदर आपको मिल जाएगी और 5 बार की सुविधा इसके अंदर आपको मिलती है, जो कि जगह जगह आपको ये बार देखने को मिल जाएंगे। खाने पीने की बात करें तो सब कुछ आपके टिकट में वैसे तो इंक्लूड होता है। अगर आप अपने टिकट का इंक्लूड खाना नहीं खाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप पे करके भी आराम से रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। इसके अंदर आपको भारत का ही नहीं बल्कि विदेशों का भी खाना मिलता है, जिसे आप बड़े ही स्वाद से खा सकते हैं। बात करें इसके बार की तो सबसे अपर डेक पे, जहाँ मैंने स्विमिंग पूल बताया था, वहाँ आपको एक बार मिलता है। रेस्टोरेंट के अंदर आपको बार मिलता है और कैसीनो के आसपास आपको बार मिल जाएगा, तो इन सभी जगह आप बार का भी आनंद ले सकते हैं। ड्रिंक 21 साल से ऊपर के को ही अलाउ की जाती है, उससे नीचे एज के को ड्रिंक नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं साथियों क्या क्या आपको इसके अंदर मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर कैसीनो की सुविधा मिलती है, जिसके अंदर आप रोलेट, तीन पत्ती, अंदर बाहर बहुत सारे गेम है, उन्हें आप खेल सकते हैं। और बच्चों के लिए अलग से किडिंग जोन बनाया गया है, किड जोन में बच्चे जाके एंजॉय कर सकते हैं। स्पा की सुविधा इसके अंदर आपको मिलती है, अगर आप हेयर कट कराना चाहते हैं तो वो भी आप अंदर करा सकते हैं। आपके मनोरंजन के लिए इसके अंदर थिएटर मिलता है, जिसका नाम बल्ले बल्ले थिएटर है। यहाँ आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड सॉन्ग बजते मिल जाएंगे और लाइव परफॉर्मेंस, यहाँ इंडियंस ही नहीं बल्कि विदेशी आर्टिस्ट भी यहाँ आपको लाइव परफॉर्मेंस करते नजर आ जाएंगे। इसमें जाके आप काफी समय बैठ के अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपकी फिटनेस को देखते हुए आप जिम भी जा सकते हैं, अगर आप रेगुलरली जिम जाते हैं तो उसकी सुविधा आपको इसके अंदर मिल जाती है। और आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग की सुविधा भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी, आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप शादी की सालगिरह, जन्मदिन या कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन जिसे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सब कुछ आपको अंदर अरेंजमेंट हो जाता है। शादी तक भी आप इस पे जाके कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। और आप कोई सेमिनार या कोई मीटिंग रखना चाहते हैं अपनी कंपनी की, तो उसे जाके भी आप
आपको यहाँ पे हॉल मिल जाता है जहाँ आप मीटिंग कर सकते हैं। फिर चलता फिरता आपको एक शहर जैसा ही मिलता है। इसका इंटीरियर साथ ही बहुत ही शानदार लाजवाब है। ऊपर नीचे आने के लिए चाहे तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर लिफ्ट दी गई है उसको आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में समुद्र के नजारों का तो आप मजा लेते ही हैं। शानदार व्यू आपको नजर आता है जिस समय सनसेट और सनराइज होता है, तो वे नजारा यहाँ अद्भुत आपको दिखाई देता है। बहुत ही मजा आता है, दूर तक देखने पे लगता है मानो समुद्र और पानी एक ही हो गए हो। तो इस क्रूज पे साथियों आपको जाना चाहिए और इस क्रूज को आप कहीं के लिए भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये थी साथियों कौडल्य क्रूज के बारे में जानकारी, जहाँ जाके आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप साथी इस क्रूज के बारे में जानते थे या नहीं हमें कमेंट में जरूर बताना, और आपको वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में भी साथियों हमें जरूर बताना। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।